सब्सक्राइब कीजिए गुड पेरेंटिंग को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैंग्वेज प्रॉब्लम विद किड्स, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सुनते हैं, तो उससे वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जो आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। ऐसे तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लोग जब शिफ्ट करते हैं, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, ओबियसली दैट पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ओबियसली सबको सब लैंग्वेज नहीं आता है, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाते हैं वही लैंग्वेज लेके, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और मिक्सअप ऑफ लैंग्वेज हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज इस वीडियो को। लैंग्वेज कन्फ्यूजन इन बेबीज़, लैंग्वेज कन्फ्यूजन बहुत ही होता है उनको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर लेते हैं, जंबल वर्ड्स कर लेते हैं दोनों लैंग्वेज को। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक या दो महीने में आपके बच्चे फ्लुएंटली वो दूसरा लैंग्वेज बोल पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। द थिंग्स यू नीड टू डू इज़ फर्स्ट जो चीज़ है वो है, अगर जहाँ पे भी आप है, अगर वहाँ पे टू लैंग्वेजेस है, मतलब एक तो मदर टंग होता है, दूसरा लैंग्वेज जो बच्चा नया सीखता है, तो ओबियसली जो सेकेंड लैंग्वेज है, तो आपको क्या करना है, मतलब आपको या आपके पार्टनर को दोनों लैंग्वेज एक्सेप्ट करना है, तो आप दोनों आपके बच्चे से टू डिफरेंट लैंग्वेज में बात कीजिए। जैसे आप मदर टंग सोच लीजिए हिंदी, और सेकेंड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश। टू लैंग्वेज आप डिवाइड कर लीजिए बिटवीन टू पार्टनर, मतलब टू पार्टनर्स, फादर एंड मदर। तो फादर अगर इंग्लिश में बात करते हैं आपके बच्चे अपने बच्चे के साथ, तो मदर वही मदर टंग से बात करेंगे अपने बच्चे के साथ। तो दोनों पेरेंट्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना होगा ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हम लोग हैंडल करेंगे तो ये उनको बहुत ही आसानी से वो सीख भी जाएंगे और उनको लैंग्वेज कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं लैंग्वेज, क्योंकि उनके टिल सेवन ईयर्स 4 to 5 लैंग्वेज सिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं लैंग्वेज को और बहुत जल्दी सीख भी जाता है। हम एडल्ट जितना टाइम लेता है एक लैंग्वेज सीखने में, लेकिन उस इतना ही कम टाइम लगता है एक बच्चे को एक लैंग्वेज सीखने में। तो आपको क्या फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, टू डिफरेंट लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक मदर टंग रखिए और दूसरा वाला लैंग्वेज जो जो जिसमें आप कन्वीनियंट हो। अगर आपका मदर टंग तेलुगू रहता है तो सेकेंड लैंग्वेज हिंदी यूज़ कर लीजिए, नहीं तो वरना इंग्लिश, मतलब सेकेंड लैंग्वेज जो है इधर हिंदी और इंग्लिश, नहीं तो वरना अगर आपका मदर टंग बंगाली है, एज माई मदर टंग इज़ बंगाली, तो आपको बंगाली, मतलब आप बंगाली सिलेक्ट कर लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज जो है वो हम लोग इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। सेकेंड जो चीज़ है, अगर आप सोचते हैं कि आपके बच्चे मतलब बहुत ही मतलब टाइम ले रहे हैं अडॉप्ट करने में दो लैंग्वेज, इट बिकॉज यू आर कंफ्यूजिंग देम, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप सोचेंगे मैं कैसे कन्फ्यूज़ कर रही हूँ, तो ओबियसली अगर आप ही आपके बच्चे के साथ टू लैंग्वेजेस में बात करेंगे तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो आपको पहले जो करना है, एक लैंग्वेज जब वो बिल्कुल सीख जाए, अगर आपके बच्चे अभी तक बोलना शुरू नहीं किए और अगर आप टू लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे को बहुत ही कन्फ्यूजन होगा समझने में, प्लस स्पीच डिले में बहुत टाइम लग जाएगा, तो स्पीच मतलब बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करो फर्स्ट लैंग्वेज, वो एकदम फ्लुएंटली बच्चे को आना चाहिए, देन यू स्टार्ट विद द सेकेंड लैंग्वेज। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे दो लैंग्वेज सीखेंगे साइड बाय साइड, तो उनमें उनको कितना अफेक्टेड होगा, ये बिल्कुल भी कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे दो लैंग्वेज सीखते हैं एक साथ, तो देयर आर मैनी बेनिफिट्स। फर्स्ट बेनिफिट जो है वो है, ब्रेन बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है। फिर अगर बच्चे मल्टीपल्स मतलब दो तीन लैंग्वेज एक साथ अडॉप्ट कर लेते हैं, अगर बच्चे को दो तीन लैंग्वेज आते हैं, तो उनका जो क्रिएटिविटी है वो भी बहुत बढ़ जाता है। फिर उनका लैंग्वेज और
जो मतलब सुनने की जो स्किल है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आउट ऑफ विच मतलब बहुत ही पॉजिटिव रीजंस है 2-3 लैंग्वेज सीखने की, तो इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। अगर बच्चे 2-3 लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ओबियसली आप भी इनिशिएटिव लीजिए कि आप 2-3 लैंग्वेज सिखाएं आपके बच्चे को, बट मेक श्योर जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वही कंटिन्यू कीजिए, सो दैट योर बेबी डजेंट गेट कन्फ्यूज विद दोज और जंबल अप दोज वर्ड्स, मतलब हाफ हिंदी हाफ बंगाली हाफ इंग्लिश या हाफ तेलुगु या हाफ कोई भी मराठी, कोई भी लैंग्वेज में वो कंफ्यूज ना हो। कोई जो लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हो वन एट अ टाइम यूज़ कीजिए, कि नहीं मदर टंग तो इसको पूरा आता है लेकिन सेकेंड लैंग्वेज तो इतना कम आता है, तो मदर टंग और सेकेंड लैंग्वेज में वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जा रही है। मतलब जब वो सेंटेंस बोल रही है, अगर वो सेंटेंस मदर टंग से शुरू कर रही है सेकेंड लैंग्वेज पे ख़त्म कर रही है ना, है आपको वही सेंटेंस दोबारा दोहराना है। अगर आप सोच रहे कि नहीं वो सेंटेंस में मदर टंग ज़्यादा है और सेकेंड लैंग्वेज कम है, तो वो पूरा सेंटेंस बिल्कुल आप फर्स्ट लैंग्वेज में बोलिए, मतलब मदर टंग लैंग्वेज में बोलिए। और अगर आप देख रहे हैं नहीं सेंटेंस सेकेंड लैंग्वेज में ज़्यादा है और मदर टंग थोड़ा कम है, तो सेकेंड लैंग्वेज वही आपको करेक्शन ऑफ अ सेंटेंस कोई भी एक लैंग्वेज में करना है, सो दैट उनको भी समझ में आ जाएगा कि सही वर्ड क्या है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही सेंटेंस क्या है, तो उनको भी समझ में आ जाएगा और वो बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाएंगे। फिर जो है ऐसे तो घर से ही सीखना शुरू होता है लैंग्वेज, तो जब भी आप घर पे कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ट्राई टू यूज़ वन लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उनके बच्चे के साथ, तो आप देखेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपके बच्चे जब भी आपसे बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और सेकंड लैंग्वेज जो है जो जो पेरेंट सेकंड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो सेकंड लैंग्वेज में उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज में बात मतलब सेकंड लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करेंगे। फिर जो है वो है स्कूल जाने के बाद बच्चे लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं उनके, तो ओबियसली डिफरेंट लैंग्वेज भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको देखना है कि घर पे तो आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ कीजिए, लेकिन आप जो सेकेंड लैंग्वेज है अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अब तक आपके बच्चे सेकेंड लैंग्वेज नहीं सीखे, तो सेकेंड लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज से आप स्टार्ट करेंगे। तो आपके बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने के बाद आप देखिए वो कौन सा लैंग्वेज मतलब स्कूल में कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, तो वही सोच के आप सेकेंड लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए, तो आप देखेंगे बच्चे कन्फ्यूज़ भी नहीं हो रहे और स्कूल जाने के बाद वो आराम से मतलब 2 लैंग्वेज आराम से बोल पा रहे हैं और वो इतने कन्फ्यूज़ भी नहीं होंगे। अगर आपके बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं मतलब प्ले स्कूल नहीं गए हैं घर पे ही हैं, तो आप बिफोर मतलब आपके बच्चे प्ले स्कूल जाए तो उससे पहले आप जब स्कूल चूज़ कर रहे हैं तो आप देख लीजिए स्कूल में कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वही हिसाब से आप घर पे भी सेकेंड लैंग्वेज जब स्टार्ट करेंगे तो वही हिसाब से आप सेकेंड लैंग्वेज स्टार्ट कर दीजिए। फिर जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर वो लैंग्वेज बिल्कुल भी परफेक्ट हो, कोई भी मिस्टेक ना हो और बहुत ही फ्लुएंट हो। जितना आप फ्लुएंट बोलेंगे उतना ही बच्चे फ्लुएंटली सीखेंगे, तो फ्लुएंट बोलना और सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लैंग्वेज वो ऑलरेडी सीख चुका है और 3rd लैंग्वेज मतलब मदर लैंग्वेज जो है वो थोड़ा थोड़ा भूलने लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं जो भूलने लगा है वही लैंग्वेज में आप अगर खेलने के टाइम वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, या कोई भी राइम्स यू कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर योर बेबी, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। ताकि फिर आप और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कर सकते हैं वो है रीड बुक्स टू योर बेबी। जितने बुक्स आप पढ़ेंगे जितने लैंग्वेजेस में आप पढ़ेंगे आपके बेबी को उतनी आसानी होगी लैंग्वेज सीखने में, तो आपको क्या करना है रीड बुक्स टू योर बेबी। बुक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, आप देखेंगे आप जितना बुक्स आप भी पढ़ रहे हैं नहीं तो वरना आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं उतना ही वोकेबुलरी उनके उनके या आपके बढ़ रहे हैं, तो सेम वे जितना बुक्स वो लोग पढ़ेंगे या आप पढ़ के सुनाएंगे उनको उतना ही उनका वोकेबुलरीज बढ़ेंगे, तो उनको बहुत आसानी हो जाएगी कोई भी लैंग्वेज अडेप्ट करने में। अगर आप कोई भी मतलब स्टोरी सुना रहे हैं उनको तो जो लैंग्वेज आपको मतलब जो लैंग्वेज आपको लग रहा है कि उसको तकलीफ़ हो रही है सीखने में या टाइम लग रहा है सीखने में, तो वो लैंग्वेज आप यूज़ कीजिए ड्यूरिंग रीडिंग अ स्टोरी बुक और
सो रीड बुक्स टू योर बेबी। स्टोरी बुक बहुत अच्छे होते हैं। स्टोरी बुक पढ़िए आपके बच्चे के लिए, उनके वोकेबुलरीज भी बढ़ेंगे, उनके नॉलेज भी बढ़ेंगे। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो जो रेड एंड वाइट बटन है उस पर क्लिक करके। आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में। तो मैं चलती हूँ, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।